सिंगल फेस केबल और एनर्जी हीटर ट्यूबलाइट वो हम इन सबको जानते हैं। आगे करके कभी हम आते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये बोर्ड है, ठीक है। तो इस बोर्ड में किस तरीके से कनेक्शन कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट आप देख सकते हैं। कंटिन्यू करो। जो डोमेस्टिक पर्पज़ पर किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं बोर्ड के वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है हमारी वो यहाँ पे एनर्जी मीटर का कनेक्शन कर रहे हैं। इस तरीके से ये मीटर को फिट करेंगे बोर्ड को घर के बाहर, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये सप्लाई के लिए जो केबल की हमें ज़रूरत है वो केबल ये लेके आए हैं स्टूडेंट हमारे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वायर पहले सप्लाई के लिए डालेंगे और फिर घर के लिए वायर भेजेंगे। अब केबल को ये साइड में फैलाते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक वायर जो ब्लैक में लगा दिया है और दूसरा जो वायर है वो रेड में येलो में या ब्लू वायर में किसी में भी एक में लगा सकते हैं आप। ये ब्लू वायर में लगाना चाहेंगे जो सप्लाई के तार है हमने ब्लू वायर में जोड़ दिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो केबल का कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देने के बाद यहाँ पे जो होल्डर का इन्होंने कनेक्शन किया है बोर्ड बना के सप्लाई दी है और ये सक्सेस हो चुका है। इस तरीके से हम सप्लाई का कनेक्शन कर सकते हैं और अब इसको हम मीटर में से निकाल के घर पे एमसीबी के द्वारा कनेक्शन करते हैं।